गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्निकल सीरीज चैनल। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? इसका आंसर होगा फर्स्ट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड देखिए, क्वाशरकोल नामक किसकी कमी से होता है? क्वाशरकोल रोग आपका जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। थर्ड देखिए, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, भूकंप की। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये आपका होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जो 1 से 7 अक्टूबर तक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये आपका विटामिन बी है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो आंसर आपका थायमिन होगा। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, फूल से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी, बाघ। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए मोनाल, बुरांस, कस्तूरी मृग। मोनाल क्या है फ्रेंड्स? ये राजकीय पक्षी है। बुरांस जो है ये आपका राजकीय वृक्ष है, और कस्तूरी मृग है ये राजकीय पशु है। बाघ कुछ नहीं है, इसलिए उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर क्या हैं? ये आपका होगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इसका हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या होगा? इसका आंसर फ्रेंड्स बी, सौर ऊर्जा। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डेटिंग विद्युत प्रयुक्त की जाती है, किसमें प्रयुक्त की जाती है फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा क्या, बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय वर्षा में ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारीकरण होना क्या कहलाता है? ये आपका स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता है। नेक्स्ट देखिए, मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम किसका है? ये औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों का सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? ए, IUCN, जो आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? यह आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? यह आपका पराबैंगनी किरणें होंगा। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपकी लेखिका है सरला बहन जी। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? ये आपका राजस्थान है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखिए, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? यह आपका रियो डी जेनेरा में हुआ था। फ्रेंड्स, ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ईवीएस के, इसको आप तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।